नेक्स्ट एग्जांपल है यहाँ पर फिनॉल और फिनॉक्साइड आयन का, ठीक है। ये आपका फिनॉल ओ एच और ये फिनॉक्साइड आयन ओ नेगेटिव। इन दोनों में किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी, ये अगर एग्जाम में आता है तो हम इसे कैसे बताएंगे। तो ये जो फिनॉक्साइड आयन है, ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर और सॉरी यहाँ पर ओ नेगेटिव और ये इस तरह का स्ट्रक्चर। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है इस आयन में। कैसे? ये नेगेटिव चार्ज इधर मूव करेगा तो ये डबल बॉन्ड इस कार्बन पे मूव करेगा और डबल बॉन्ड ओ और यहां पर नेगेटिव, ये ऐसे है, ये ऐसे है, फिर ये नेगेटिव चार्ज यहां मूव करेगा तो ये ऐसे मूव करेगा और ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर इसका बनेगा। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ नेगेटिव, ये इस तरह से डबल बॉन्ड ओ, फिर यहां पर क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज इधर मूव करेगा तो ये इधर मूव करेगा इलेक्ट्रॉन, तो ये ऐसे, ये डबल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड ओ, फिर ये इधर मूव करेगा इलेक्ट्रॉन तो ये इधर मूव करेगा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास, तो ये ओ नेगेटिव और यहां पर ये इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगी। मतलब ये जो फिनॉक्साइड आयन है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है। ये नेगेटिव चार्ज इस ऑक्सीजन पर ज्यादा देर तक नहीं रहता है, वो पूरे जो कंपाउंड में वो डीलोकलाइज हो रहा है, पूरे जो स्ट्रक्चर में आप देख रहे हो कि इस हर कार्बन पर वो डीलोकलाइज हो रहा है वो, ठीक है, इस कार्बन पे, इस कार्बन पे, इस कार्बन पर वो डीलोकलाइज हो रहा है, इस ऑक्सीजन पे वो ज्यादा देर तक टिक नहीं रहा है। इसको बोलते हैं रेजोनेंस स्टेबलाइज आयन, ठीक है, रेजोनेंस स्टेबलाइज कंपाउंड, रेजोनेंस स्टेबलाइज आयन। तो ये जो फिनॉक्साइड आयन है इसके ओ जो माइनस है, ये माइनस चार्ज पूरे एटम पर, पूरे कंपाउंड पर डीलोकलाइज हो रहा है, ज्यादा देर तक नहीं रह गया यहाँ पर, तो कोई भी H प्लस वापस इसके साथ बॉन्ड नहीं बना पाएगा, जिसकी वजह से ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, इसकी स्टेबिलिटी हाई होगी, मतलब ये इस फॉर्म में ज्यादा देर तक रहेगा। दूसरी बात कि इस पे, इस ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी ज्यादा है, किसी और का इसने इलेक्ट्रॉन ले रखा है तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है इसकी तुलना में, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का केवल दो लोन पेयर है, नेगेटिव चार्ज नहीं है, बट यहाँ पर नेगेटिव चार्ज भी है और दो लोन पेयर भी है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है और साथ ही ये रेजोनेंस स्टेबलाइज भी हो रहा है, तो इसकी वजह से इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी फिनॉल की तुलना में ज्यादा होती है। तो दो फैक्टर यहाँ काम कर रहा है, एक तो ये फिनॉक्साइड आयन की रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है, नेगेटिव चार्ज जो है पूरे एटम तक, पूरे कार्बन पर डीलोकलाइज हो रहा है, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी हाई जा रही है, इस फॉर्म में ज्यादा देर तक रहेगा, इसकी वजह से ये न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में ज्यादा देर तक रहेगा, तो किसी भी इलेक्ट्रोफाइल के पास ये अटैक करेगा फास्टली कंपेरिजन टू दिस वन, ठीक है। तो यहाँ पर एक लोन पेयर है साथ में, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी बढ़ गई, रेजोनेंस स्टेबलाइज भी है, इसकी वजह से इसकी जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होगी वो फिनॉल से ज्यादा होगी। नेक्स्ट एग्जांपल है वो है सी एच थ्री ओ माइनस सी एच टू और यहां पर सी एच थ्री है और यहां पर ओ माइनस और सी एच थ्री का ट्वाइस सी एच ओ माइनस, ठीक है, और एक और कंपाउंड है सी एच थ्री का थ्राइस सी ओ माइनस। कार्बन की चार वैलेंसी हो गई, तीन यहां पर, एक ऑक्सीजन का चार यहां पर भी, तीन एक चार यहां पर भी, यहां पर भी आपका जो दो यहां पर, तीन और एक चार यहां पर भी चार, ठीक है। तो ये जो स्पीसीज दी हुई है, ये जो कंपाउंड्स दिए हुए, ये जो आयन दिए हुए, इनमें न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी ज्यादा होगी, किसकी सबसे कम होगी, तो आप यहां देखेंगे कि इस कार्बन के पास तीन हाइड्रोजन है, उस कार्बन से एक ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। यहां पर जो कार्बन है इसके पास एक सी एस थ्री ग्रुप है, दो हाइड्रोजन है, और यहां पर जो कार्बन है, ठीक है, इसके पास जो ओ नेगेटिव है और बाकी के दो बड़े बड़े सी एस थ्री ग्रुप है, यहां पर जो कार्बन है इसके पास ओ नेगेटिव है और तीन बड़े बड़े सी एस थ्री ग्रुप है, तो इसका जो स्ट्रक्चर अगर हम बनाएंगे तो सी सी एस थ्री सी एस थ्री सी एस थ्री और यहां पर ओ नेगेटिव, तो ये न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है ना, ये जो ओ माइनस ये न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है, तो ये जो सी एस थ्री बड़े बड़े ग्रुप्स है ये बल्कि ग्रुप्स कहलाते हैं और ये पूरे इस ओ माइनस को घेर लेंगे चारों तरफ से, जिसकी वजह से इस ये जो किसी ई प्लस पर अगर अटैक करना होगा तो ये कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि भीड़ ज्यादा है यहाँ पर, भीड़ का मतलब कि स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ ज्यादा लग रहा है, बल्कि ग्रुप्स ज्यादा है जो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी को कम कर दे रहे हैं, जिसकी वजह से ये अटैक ही नहीं कर पा रहा है, तो इसकी जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होगी सबसे कम होगी, ठीक है। उसके बाद यहां देखेंगे तो यहां पर तीन सी एस थ्री ग्रुप थे बट यहां दो थे, तो यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस थोड़ा कम लग रहा है, तो इससे थोड़ा सा ज्यादा इसका होगा,
ठीक है। उसके बाद यहाँ पर और एक ही सीएस थ्री है, यहाँ पर दो थे, तो यहाँ पर स्टेरिक इंटरेस्ट इससे थोड़ा सा कम लग रहा है, तो यहाँ पर इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी से ज्यादा होगी। सीएस थ्री में एक भी स्टेरिक इंटरेस्ट, एक भी बल्कि ग्रुप नहीं है, बहुत ही छोटा सा आयन है, जिसकी वजह से ये किसी भी ई प्लस पर बहुत ही फास्टली अटैक करेगा और बॉन्ड बनाएगा, जिसकी वजह से इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि इसमें कोई भी स्टेरिक इंटरेस्ट नहीं लग रहा है, कोई भी बल्कि ग्रुप नहीं है, तीनों हाइड्रोजन कार्बन से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर तीनों हाइड्रोजन नहीं है, तीनों बड़े बड़े सी एस थ्री ग्रुप है, जिसकी वजह से ये ओ माइनस को कवर कर ले रहे हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस लग रहा है, जिसकी वजह से ये ई प्लस पर अटैक ही नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे कम हो जा रही है। जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है सी एस थ्री ओ एच, ठीक है, और सी एच थ्री सी सी एस थ्री सी एस थ्री ओ एच, ये है टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल और ये है मेथिल अल्कोहल। इन दोनों में किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी? अब यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं है, कोई भी आयन नहीं है, ये केवल न्यूट्रल कंपाउंड है, लेविस बेस है। आपको बताना है कि इन दोनों में जो ऑक्सीजन है वो एक लेविस बेस का काम कर रहा है, एक न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है, तो वो ई प्लस के पास अगर अटैक करना हो तो इन दोनों में कौन ऑक्सीजन फास्टली अटैक करेगा? ये आप देखेंगे कि यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सा बल्की ग्रुप है, बल्कि ग्रुप मतलब तीन सी एस थ्री बड़े बड़े ग्रुप लगे हुए हैं जो इस ऑक्सीजन को कवर कर लेते हैं, जिसकी वजह से ये अपने लोन पेयर्स को इजिली डोनेट नहीं कर पाता है, इसको स्टेरिक हिंड्रेंस लगता है बल्कि ग्रुप के वजह से। और यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे छोटे छोटे तीन हाइड्रोजन है, जिसकी वजह से कोई भी बल्कि ग्रुप नहीं है, कोई भी हिंड्रेंस नहीं लग रहा है, तो ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स को, अपने लोन पेयर्स को इजिली डोनेट कर सकता है इलेक्ट्रोफाइल को, ठीक है। इसकी वजह से इसकी जो न्यूक्लियोफिलिसिटी का जो है वो हाई होती है, इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होती है इसकी तुलना में, ठीक है। सीटी, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, तो अभी क्या है कि मैंने पूरे रूम को अच्छे से लॉक कर लिया है ताकि कोई भी बाहर की आवाज आप तक ना पहुंचे, केवल मेरी आवाज ही पहुंचे, और फैन को भी मैंने ऑफ कर दिया क्योंकि फैन की आवाज भी आप तक पहुंच सकती है। तो बिल्कुल पैक है और फैन भी ऑफ है, तो गर्मी बहुत ज्यादा है, एकदम रूम पूरा वार्म अप हो गया है। तो बीच बीच में मैं ब्रेक लेकर थोड़ा सा फैन की हवा खा लेती हूँ, फिर मैं स्टार्ट करती हूँ। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, एग्जाम्पल है आपका स्टूडेंट सी एच थ्री माइनस और एन एच टू माइनस, और अगर आपकी बात करें ओ एच माइनस और फिर एफ माइनस, ठीक है, ये चार आयन दिए हुए हैं और पूछ रहा है कि इन चारों में किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी। सो स्टूडेंट्स, तो पढ़ाने में बहुत मेहनत है, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है और थोड़ा सा भी मेरा वीडियो अच्छा लगता है, अगर आपको नॉलेज मिल रहा है, तो प्लीज आप मेरे न्यू चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें और अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी फायदा पहुंचे। तो अब इन चारों में अगर आपको निकालना है कि किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी, तो आप यहाँ देखिए कि इन सब में जो सेंट्रल एटम है सी एन ओ एफ, तो ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर किसकी सबसे ज्यादा है, तो एफ जो होता है फ्लोरीन सबसे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी सबसे ज्यादा होती है, प्लस इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी ज्यादा होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है साथ ही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी, क्योंकि न्यूक्लियस जो साइज होता है एटम का बहुत छोटा होता है और न्यूक्लियस पे हाई डेंसिटी होती है, ठीक है, इसकी वजह से जो फ्लोरीन होता है इसकी साइज छोटी होती है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी इसकी ज्यादा हो जाती है, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता, अट्रैक्ट करने की क्षमता भी इसकी ज्यादा होती है, उसी को हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। तो यहाँ पर जो फ्लोरीन है ये किसी ई प्लस के साथ अटैक ही नहीं कर पाता है, क्यों? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के साथ साथ, क्योंकि ये साइज इसकी छोटी होती है, इन सब की तुलना में हम बात कर रहे हैं, इन सब की तुलना में इसकी साइज सबसे छोटी होती है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स, इसके न्यूक्लियस जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को इस माइनस चार्ज को होल्ड किए रहते हैं, पकड़े रहते हैं, तो ये इजिली अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट नहीं कर पाता है किसी इलेक्ट्रोफाइल को, जिसकी वजह से इसकी जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो सबसे कम हो जाती है, क्योंकि इसके न्यूक्लियस, इसकी साइज छोटी होती है, तो न्यूक्लियस जो होता है उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, तो वो इस माइनस चार्ज को बाहर निकलने नहीं देता, उसको होल्ड किया रहता है, जिसकी वजह से ये किसी इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक ही नहीं कर पाता है, ठीक है, इन सब की तुलना में मैं बात कर रही हूँ। तो यहाँ पर जो है फ्लोरीन माइनस, इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाती है, एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह ये कम बिहेव करता है कंपेरिजन टू दिस वन, ठीक है। अब बात करते हैं ओएच माइनस की, और फिर इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है ओ की, और इसकी तुलना में इसकी ज्यादा होती है, और इसकी तुलना में इसकी ज्यादा होती है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर से हम इसको समझेंगे, जिसकी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहेगी वो इलेक्ट्रॉन को इजिली नहीं डोनेट कर पाएगा, तो उसका जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो कम हो जाएगा, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन
और सबसे ज्यादा होगा आपका CH3-, क्योंकि कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो चारों में सबसे कम है। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रो ये जो होगा CH- में जो माइनस चार्ज है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को फट से क्या करेगा, ई प्लस के साथ अटैक कर लेगा कंपेयर टू दिस वन, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे, देंगे नहीं, इस वजह से ये जो है इलेक्ट्रॉन को इजिली डोनेट कर देगा, क्योंकि इसके पास कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ही नहीं कार्बन के पास। ठीक है, इन तीनों की तुलना में इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम है, जिसकी वजह से ये माइनस चार्ज को इजिली डोनेट कर देगा किसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज में। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी होगी, देन NH2- की, फिर OH- की, फिर F-, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से क्या होती है, कम होती है, ऑक्सीजन की फ्लोरीन से कम होती है और कार्बन की नाइट्रोजन से कम होती है, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर। ठीक है, जिसकी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी तो ये साइड छोटा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ये दे नहीं पाएगा, मतलब किसी ई प्लस से इजिली जुड़ नहीं पाएगा, इसके वजह से इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाएगी कंपेरिजन टू दिस वन, फिर दिस वन, फिर दिस वन, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज्यादा होती है, तो इसकी इससे कम हो जाएगी, फिर इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कार्बन से ज्यादा होती है, तो फिर इसकी इससे कम हो जाएगी। NH3H2OHF, इन तीनों में देखेंगे जो सेंट्रल एटम है वो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन तीनों में सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से ही अपने इलेक्ट्रॉन्स को इजीली डोनेट नहीं कर पाएगा, साथ ही हाइड्रोजन बॉन्ड भी बनाएगा किसी दूसरे HF के साथ, ही हाइड्रोजन बॉन्ड भी बनाएगा, जिसकी वजह से ही अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं कर पाएगा, जब इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं कर पाएगा तो इसकी जो माइनस चार्ज को डोनेट नहीं कर पाएगा, तो इसकी जो इलेक्ट्रो न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है वो कम हो जाती है इसकी तुलना में, और सबसे कम नाइट्रोजन, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन दोनों से कम होती है, जिसकी वजह से ये अपने लोन पेयर को इजिली इलेक्ट्रोफाइल को डोनेट कर सकता है कंपेरिजन टू दिस वन एंड कंपेरिजन टू दिस वन। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो फ्लोरीन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, और साथ ही ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा अपने दूसरे HF मॉलिक्यूल के साथ, जिसकी वजह से ये अपने लोन पेयर को किसी को डोनेट नहीं कर पाएगा, तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे कम हो जाती है। ऑक्सीजन की बात करते हैं तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की तुलना में थोड़ी सी ज्यादा होती है। ठीक है, तो इस वजह से इसकी जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होगी वो इससे थोड़ा सा ज्यादा होगा, लेकिन अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से क्या होती है, कम होती है, जिसकी वजह से ये अपने इलेक्ट्रॉन को इजीली इलेक्ट्रोफाइल को डोनेट कर सकता है, इसकी वजह से ये गुड न्यूक्लियोफाइल कहलाता है H2O की तुलना में। मतलब ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है वो न्यूक्लियोफिलिसिटी के रिवर्स में होता है, अगर न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे कम होगी, ये रिवर्स में चलता है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी सीटी जो होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के रिवर्स में होता है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होगी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है वो है एमई और एमआई, इन दोनों में न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी ज्यादा होती है, जैसे एग्जाम्पल अगर हम ले CH3NH2, ठीक है, और CH3C OH NH2, और यहाँ पर कोई इलेक्ट्रोफाइल दिया हुआ है ई प्लस। ठीक है, आप देखेंगे कि ये जो नाइट्रोजन है इसमें जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये लैटिस बेस है, ये भी लैटिस बेस है, और ये दोनों ही न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहे हैं, इन दोनों में जो नाइट्रोजन है वो कौन सा नाइट्रोजन, ये वाला कि ये वाला, इससे इसके साथ इलेक्ट्रोफाइल के साथ तेजी से जुड़ेगा, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो लोन पेयर है वो इस ऑक्सीजन के साथ, इस कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ क्या हो रहा है, रिजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है, ये जो लोन पेयर है वो इधर मूव करेगा और ये आपका इधर मूव करेगा, तो इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, मतलब यहाँ पर जो लोन पेयर है वो रिजोनेंस शो कर रहा है, डीलोकलाइज हो रहा है, कभी यहाँ कभी यहाँ, इसकी वजह से इस नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, जिसकी वजह से ये बैड न्यूक्लियोफाइल होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करने लगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये लेविस बेस ही है बट ये लेविस एसिड की तरह भी काम करने लगता है, क्योंकि ये रिजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है, यहाँ पर जो लोन पेयर है वो इजिली डोनेट ही नहीं कर पाएगा नाइट्रोजन, क्योंकि वो रिजोनेंस में जा रहा है, तो यहाँ पर वो इजिली डोनेट नहीं कर पाएगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर कोई भी डबल बॉन्ड ओ नहीं है, जिसकी वजह से ये फ्री है, ये जो लोन पेयर है फ्री है, और ये इजिली ये अपने लोन पेयर को किसी इलेक्ट्रोफाइल को डोनेट कर सकता है, इसका मतलब कि ये गुड लेविस बेस है कंपेरिजन टू दिस वन, इसका मतलब कि इसकी जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होगी वो इससे ज्यादा होगी। एग्जाम्पल है वो है RO- और RC OH-
O माइनस, ठीक है। इन दोनों में किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी आपको ये बताना है। तो आप यहाँ देखिए कि जो O माइनस है ये नेगेटिव चार्ज इस C और इस O में डीलोकलाइज हो रहा है, वो इधर आएगा फिर इधर ये जाएगा, मतलब ये माइनस चार्ज ये रिजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है किसके साथ, आर सी ओ माइनस डबल बॉन्ड ओ, मतलब ये रिजोनेंस में जा रहा है। रिजोनेंस में जाने का मतलब ये हुआ कि इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज बहुत ही कम टाइम के लिए रहेगा, वो पूरा डीलोकलाइज होगा ओ सी ओ के बीच में, ठीक है। जब नेगेटिव यहाँ पे बहुत ही कम टाइम में रहेगा तो ई प्लस के साथ ये इजिली बॉन्ड नहीं बना पाएगा, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम नहीं कर पाएगा ठीक से, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे है ही नहीं, ये बहुत ही कम टाइम के लिए आ रहा है फिर वो मूव कर जा रहा है, जिसकी वजह से ई प्लस के पास अटैक ही नहीं कर पाएगा, तो ये बैड न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करने लगेगा। बट अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं है जिसके साथ ये ओ माइनस रिजोनेंस में जाए या डीलोकलाइज हो, ये फ्री है ओ माइनस। जब ये फ्री रहेगा तो ये किसी भी ई प्लस के साथ इजिली बॉन्ड बना लेगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये गुड न्यूक्लियोफाइल है कंपेरिजन टू दिस वन। तो जो एल्कोक्साइड आयन होते हैं वो कार्बोक्सिलेट आयन से गुड न्यूक्लियोफाइल होते हैं, उनकी न्यूक्लियोफिलिसिटी अच्छी होती है, उनकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होती है कार्बोक्सिलेट आयन से। सो स्टूडेंट्स, तो आज मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल बताए, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर्स बताए, ये एग्जांपल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आप कंपटीशन की तैयारी करें तब भी ये पूछता है, रेगुलर एग्जाम्स में भी पूछता है, तो आप इसको जरूर रिवाइज कर लेना, और कोई भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।